ये बात हम लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि पुलिस के ऊपर उसने गोली चलाई, वो घोर क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था। जो व्यक्ति तीन तीन शादियां करता है, अपने बीवी को तकलीफ देता है, छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करता है, वो कोई साधु संत तो है नहीं। तो उसने पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो मेरे पुलिस अगर हमला होंगे तो शांति से नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कहाँ जाने वाले, कौन किसको समाप्त कर पाया है। राजनीति में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता, जनता केवल समाप्त कर सकती है। जनता के सिवा कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। देवा, 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 उनको लगता है ना, तो वो मुझे समाप्त करने का जितना प्रयास करना है कर ले। जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा, मेरा अभिमन्यु हुआ है, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ। मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण, मी आरक्षणाच्या बाजूचा। सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हमारे खिलाफ हो, आप कहते हैं कि हमारे कारण नहीं होता है, तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो लोकसभा में, आपने समर्थन जिनको दिया, आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, चलो उन तीनों से लिखवा लो ना, उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापिस आएंगे तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे और उनको मदद कर दो। मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए। वो रोज मेरे पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहते, देवेंद्र फडणवीस ने अटकाया हुआ है, देवेंद्र फडणवीस। पहले तो मैंने उनको एक बात साफ शब्दों में कही कि भैया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री हम जो निर्णय लेते हैं साथ में निर्णय लेते हैं, कोई अलग निर्णय नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराठा समाज के लिए निर्णय लेना है और मैंने अटकाया हुआ है, उस दिन मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा।